अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कंडेंस मिल्क होममेड, किस तरह आप घर में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो व्यूअर्स, कंडेंस मिल्क बनाने के लिए एक सॉस पैन में सबसे पहले हम डालेंगे दूध। 1 लीटर मैंने लिया है मिल्क, इसको डाल देना है आपने एक सॉस पैन में, 1 लीटर दूध। दूध मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे। यही इसकी जो है एवरेज है, मतलब आपको 1 लीटर दूध में 1 कप चीनी ऐड करनी है। अब इसका फ्लेम ऑन करते हैं, मीडियम फ्लेम पे इसको बॉयल आने देंगे। तो व्यूअर्स, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया इसका और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कुक करना है। आप लो फ्लेम पे इसको सिमर के लिए रख सकते हैं फॉर 30 to 40 मिनट्स के लिए, लेकिन मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी और साथ साथ जो है स्पून भी चलाते रहेंगे। बस अब इसको बॉयल होने देना है मीडियम फ्लेम पे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि दूध पक रहा है और अभी आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए मैंने लो मीडियम फ्लेम पे, और ये कम होता जा रहा है और गाढ़ा भी हो रहा है, लेकिन मज़ीद अभी इसको और पकाना है जब तक ये और कम ना हो जाए और गाढ़ा हो जाए। तो अभी इसको कुक करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध गाढ़ा हो गया है और इसको लगा है तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट तकरीबन लगे हैं, और ये मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकाया था तो बिल्कुल अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं इसमें 1 चुटकी सोडा ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ 1 चुटकी ऐड किया। अब इसको मिला लेंगे और फ्लेम इसका कर देंगे बंद, क्योंकि अभी इस स्टेज पर जो हमारा कंटेंट्स मिल्क है वो रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो व्यूअर्स, कंडेंस मिल्क रेडी हो गया, मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया और अब इसको ठंडा करेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी थिकनेस क्या है, और बस आप इसको बना के रख लें, फिर आपको कोई भी स्वीट बनानी है कुछ भी तो आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, कंडेंस मिल्क ठंडा हो गया पूरी तरीके से, तो ठंडा नहीं हुआ लेकिन अभी थोड़ा गर्म है, लेकिन गाढ़ा हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसको एक बाउल में निकालते हैं। आप देखिएगा इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी थिकनेस क्या है। अभी जब ये और ठंडा होगा तो और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो व्यूअर्स, रेडी हो गया होममेड कंडेंस मिल्क, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और इंशाल्लाह मैं आपको कंडेंस मिल्क के साथ स्वीट्स भी बनाना सिखाऊंगी, आप लोग भी घर में ट्राई करें कंडेंस मिल्क और इससे बनाएं बहुत ढेर सारी स्वीट्स। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।